हमने जो सबसे पहला पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो इसमें पहला याद है सबको? थ्री फोर और फाइव, ठीक है। सबसे पहला यही पढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल सही। देखिए जो 10th में मैंने आपको बताया था ये चीजें, जिन बच्चों ने 10th में पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको आप बता दे रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा ये जो छोटा वाला होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है आपका थ्री के सामने वाला, ये छोटा एंगल होगा, ध्यान रखिएगा, ये एंगल आपका 37 आएगा और ये एंगल 53 डिग्री आएगा। इसको याद रखिएगा, फिजिक्स में ये बहुत यूज में आएगा, क्लियर। तो थ्री फोर फाइव में आप बना के चेक कर सकते हैं। आज एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, ये एंगल आपका 37 आएगा और वो 53 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, और ये आपका राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, क्लियर। अब देखिए यहां से साइन 37 की वैल्यू, हाँ जी, साइन 37 इज 3/5, विच इज इक्वल टू 0.6, ये याद रखिएगा। और साइन 53 की वैल्यू 4/5 और ये होती है 0.8। ये क्लियर है बेटा? ओके, अब दो वैल्यू आप मुझे बताएंगे। व्हाट इज कॉस 37 बिना कॉपी पेंसिल यूज किए? बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप डायग्राम देख के भी कर सकते हो। और कहां से भाई? अभी अभी वो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पढ़े थे ना, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। तो कॉस 37 की वैल्यू 4/5 या 0.8, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस 53 डिग्री अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? साइन 37 डिग्री के, ये आपका आ जाएगा 3/5, दैट इज इक्वल टू 0.6। क्लियर है? अच्छा जी, चलिए अब देखिएगा, एक फॉर्मूले को और यूज करना आपको सिखा रहा हूं। वो हमारा जो फॉर्मूला था ना, cos 2a वाला, cos 2a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आया था? 2cos²a-1, ठीक, ऐसा फॉर्मूला आया था। देख लीजिए, आप लोगों ने नोट किया होगा। तो यहां देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं 2cos²a इज इक्वल टू 1+cos²a, ठीक है। हाँ, दूसरा भी है, साइन स्क्वायर वाला भी है, अभी मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आएगा मेरा, cos²a इज इक्वल टू 1+cos²a बाय टू, या यहीं से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1+cos²a बाय टू। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, काफी यूज में आने वाला है, ठीक है, इसको समझिएगा। ए को मैं लिख रहा हूं थीटा बाय टू, ए को क्या लिख रहा हूं? थीटा
थीटा बाय टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बताता हूं। तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा बेटा, कॉस थीटा बाय टू इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा बाय टू। फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप कहते हैं बेटा हाफ एंगल। ठीक है, थीटा बाय टू क्या है, थीटा का आधा। तो अगर आपको, जैसे अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 15 डिग्री निकालने के लिए ना, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 15 डिग्री ये फॉर्मूला यूज करके निकालें, ठीक है, तो थीटा को मैं क्या रख दूंगा, 30 डिग्री, ठीक। तो मेरा क्या आ जाएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल मान लेते हैं इसको, ठीक है। कॉस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 30 बाय 2। क्लियर है, कॉस 15 के लिए आपका वो वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लीजिए कभी आपसे पूछा जाए कॉस ऑफ 22.5 डिग्री, हां जी आ जाओ, चलो आप तो ए प्लस बी नहीं लगा पाओगे ना, या ए माइनस बी भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं पता। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अब ये हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a, ये फॉर्मूला था। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 2 sin square a is equal to 1 minus cos 2a, यहां से आ जाएगा sin square a is equal to 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, और यहां से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा साइन a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अब समझ में आ गया होगा बेटा, अब a को मैं क्या करूं, हाफ एंगल। आप ऐसे भी याद कर सकते, कोई बुराई नहीं है बेटा, ये a और 2a के टर्म्स में भी याद कर सकते, ठीक है। लेकिन हाफ एंगल लिखने से दिमाग में क्लिक करता है वो कि अरे यार 22.5 था, मुझे आधा करना था, नहीं तो आधे लोगों को ये याद ही नहीं आता कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो यहां से आपको याद रहता है कि थीटा बाय 2 मेरा क्या है, हाफ एंगल, किसका, थीटा का। तो भाई ये मेरा आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो अब देखिए बड़े आसान से फॉर्मूले हो गए। अगर मुझे, अब ऊपर वाले को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा बाय 2 चाहिए तो क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, और वो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ये समझ में आ गया, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू मुझे बता दीजिए। बहुत आसान सा हो गया, वो अभी ऊपर फंस रहे थे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा बेटा, फर्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें टाइम लगेगा, सेकंड टाइम वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, और थर्ड और फोर्थ टाइम में तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। केशव आपका डाउट अभी क्लियर करते हैं, पहले इसका आंसर देख लीजिए, मैं समझ गया आपका डाउट क्या है, अभी क्लियर कर रहा हूं वो। हाँ जी, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू,
चलिए तो 22.5 बेटा मेरा होता है, थीटा मेरा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 1 cos 45/2, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए मैं सॉल्व इसीलिए कर दे रहा हूँ बेटा, √2 + 1/√2 का √, हाँ जी कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है अच्छा चलिए, जरा साइन 22.5 निकालिए। साइन 25 डिग्री, ओके। जिनको ऊपर समझ नहीं आया कि मैंने वो कैसे लिख दिया, उनके लिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। हाँ बिल्कुल बेटा, वो ऊपर वाले में बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में यहाँ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस था, एंगल तो सेम ही है ना, वो 45/2 करके ही आ रहे हैं। ओके अब देखिए, एक मेरे पास डाउट आया है और जेन्युइन डाउट है, काफी बच्चों को इस तरह का डाउट रहता है, ठीक है। तो कल मैंने आपसे कहा था कि 90 + θ कहां लाए करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। कई लोग कहेंगे सर अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए 100 डिग्री है तो 90 + θ तो 190 डिग्री हो गया, और ये कहां चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बोले फिर हमने इसको सेकंड में क्यों लिखा, ठीक है जी, यही पूछना चाह रहे थे केशव। कि 90 + θ हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों रहेगा, ओके। चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए होगा क्या, मान लीजिए थीटा मैंने 100 ले लिया, ठीक। अब आपसे मैंने वैल्यू पूछी कॉस 190 डिग्री की, ठीक है। आपको पता है ये किसके बराबर आएगी बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव आएगा और इसकी वैल्यू माइनस कॉस 10 डिग्री आनी चाहिए, ये क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और 190 डिग्री जो है वो 180 + 10 है, तो वो 10 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने रखा cos 90, ठीक है, प्लस 100, आप इसे क्या लिखेंगे, जो हमारा रूल था उसके हिसाब से हमने आपसे कहा कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम कीजिए, आपने इसे फर्स्ट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में एज्यूम कीजिए, हाँ आप इसे क्या लिखेंगे, माइनस साइन 100, यस केशव। और जब आपने इसे माइनस साइन 100 रखा तो ये साइन 100 ये किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट से नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, थर्ड। ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपने आप उसको क्लब कर लेता है,
आप बेसिकली अपनी रेफरेंस लाइन को यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, बस इतनी सी कहानी। आप 90 प्लस थीटा मतलब कहां से चल रहे हैं, इस लाइन से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां से सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना आपका, ठीक है। पहले आपने क्या माना, आपने कहा मेरे सारे एंगल यहीं पे, अगर वो 90 से कम था तो वो कहां आ जाएगा, इस जगह, और 90 से ज्यादा होगा तो इस जगह, अगर वो 180 से ज्यादा होगा तो यहां पे आ जाएगा। मतलब ये 100 की जगह अगर मैं 180 ले लूं तो वो अपने आप यहां चला जाएगा, ठीक। तो आप जब आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन 90 प्लस 10, और ये आपका फिर से कहां गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस ऑफ कॉस 10, ये मेरा आंसर आ गया, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही बात है कि जब मैं कहूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कहा सर मेरा एंगल मान लीजिए 210 डिग्री है, ठीक है, आपको पता है 210 डिग्री यहां कहीं पे आएगा, क्लियर। ये कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे, बट जब मैं इसको लिखूंगा 90 प्लस थीटा, समझिएगा बेटा, तो मैं इसको क्या कहूंगा, 90 प्लस 120 डिग्री, ओके। अब मेरा रेफरेंस पॉइंट 90 से शुरू हो रहा है, यानी मैं यहां से देख रहा हूं, क्लियर। तो अब यहां से मैं हर को, हर एंगल को कहां एज्यूम कर रहा हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट। मेरा बचा कितना है, 120, इससे 120 कहां चला जाएगा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट पे, इस पोजीशन से सेकंड, यानी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, बट ये सेकंड स्टैंडर्ड का कौन सा है, थर्ड। हां जी, समझ आया तो यस भेज दीजिए। ओके, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब आप उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, उस समय आपको ये नहीं देखना कि मेरा एंगल 540 दिया हुआ, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मानना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाए करेगा, क्योंकि आप अपना रेफरेंस शिफ्ट कर ले रहे हैं। आप इस लाइन से, मैंने आपसे शुरुआत में जब मैंने आपको एंगल बताया था, मैंने आपसे कहा था कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है, हम एंगल यहां से ले रहे हैं, बट जब आप 90 प्लस थीटा कह रहे हो तो आप यहां पहुंच गए ना, 90 तो ये आ गया आपका, दिस 90 प्लस ये वाला एंगल थीटा, तो इसलिए आप उसे, या 180 कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 आपका हो गया, यहां से आगे बढ़े ये थीटा हो गया, अब आपका थीटा चेंज हो गया क्योंकि आप यहां से मेजर कर रहे हैं, इसलिए उसे इस वे में लिया जाए, ठीक। तो चलिए, आज के लिए काफी है बेटा, और ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री जितनी हमें जरूरत है वो कंप्लीट हो गई। कल थोड़ी सी बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, लाइन, सर्किल और पैराबोला की बात करेंगे। तो पहले लाइन शुरू होगा, देखते हैं कल कितना हो पाए, कल मतलब नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, सी यू।